हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जितने भी मुंबई यूनिवर्सिटी के आइडियल के स्टूडेंट है, चाहे वो टीवाई के हो, एमकॉम के हो, मतलब पीजी के स्टूडेंट हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर में देखना। आप सभी स्टूडेंट के मॉक टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, उनका टाइम बताने वाला हूँ, और जिन स्टूडेंट को हॉल टिकट के रिलेटेड अपडेट चाहिए था उनके बारे में भी बताने वाला हो, तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं सब कुछ बताऊंगा। और जितने भी न्यू दोस्त इस वीडियो में जुड़ रहे, चैनल पर जुड़ रहे, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भूलना मत। चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आप सभी दोस्तों का मॉक टेस्ट 1 घंटे का होने वाला है, ठीक है। और ये कौन से प्रोग्राम का मॉक टेस्ट होने वाला है, तो सबसे पहले TYBA, TYBCOM, फ्रेशर रिपीटर दोनों की बात कर रहा हूं, TYBSC फ्रेशर और रिपीटर दोनों की है, ठीक है। अब जितने भी TY स्टूडेंट का मैंने अभी नाम लिया, जो आपको स्क्रीन पे भी आराम से दिख रहा होगा, दोस्तों आप लोगों का जो मॉक टेस्ट का टाइमिंग है दोस्तों, 4 जून से चालू होने वाला है 7 जून तक का, ये आपका डेट है एग्जाम का। टाइमिंग 24 आवर्स है, आप कोई भी 1 घंटा सिलेक्ट कीजिए और आप अपना मॉक टेस्ट दे दीजिए। 24 आवर चालू है 4 जून से लेके 7 जून। होल टिकट का एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, ठीक है। देन दोस्तों हम एनुअल पैटर्न, जो पीजी के स्टूडेंट है, मतलब कि एमए Part 1 Part 2 फ्रेशर हो या रिपीटर, उन दोनों स्टूडेंट का एमकॉम Part 1 Part 2 फ्रेशर एंड रिपीटर, एमए एजुकेशन Part 1 Part 2 फ्रेशर एंड रिपीटर, एमएससी IT Part 1 ओनली रिपीटर, इधर कोई फ्रेशर स्टूडेंट के लिए अलाउ नहीं है, MSc IT Part 2 फ्रेशर एंड रिपीटर, MSc Maths Part 1 ओनली रिपीटर, फ्रेशर नहीं है, MSc Maths Part 2 फ्रेशर एंड रिपीटर, MSc Computer Science Part 1 ओनली रिपीटर। मतलब ये समझ लीजिए जो Part 1 MSc के स्टूडेंट है वो ओनली रिपीटर है, फ्रेशर के लिए ये मॉक टेस्ट नहीं है। MSc Computer Science Part 2 फ्रेशर एंड रिपीटर। आप सभी जितने भी पीजी के स्टूडेंट का मैंने अभी नाम लिया, इन सभी का मॉक टेस्ट का जो डेट है वो 4 जून से लेके 9 जून तक का है। टीवाई का डेट 4 जून से लेके 7 जून तक का है, लेकिन आप लोगों का 4 जून से लेके 9 जून तक का है। 24 आवर्स चालू है, आप कोई भी 1 घंटा मॉक टेस्ट दे सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट के बारे में लेके बताया गया है, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मॉक टेस्ट जो दोगे उसका ईमेल आईडी, पासवर्ड, ठीक है, जो भी मतलब यूजर आईडी एंड पासवर्ड, वो आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से, ठीक है। बहुत जल्द मॉक टेस्ट के पहले ही आप लोगों को वो सब चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, अगर आपके मोबाइल पे मॉक टेस्ट का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आता या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मॉक टेस्ट अटेंड नहीं कर पा रहे, कोई भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्तों इधर आपको नीचे दिख रहा होगा कि इधर नंबर दिख रहे, ठीक है, नंबर में कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहे, ठीक है। तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। टाइमिंग भी मेंशन किया गया है, सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, सिर्फ संडे को छोड़ के आप कभी भी कॉल करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर वो सब नंबर नहीं लग रहा, अगर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, तो दोस्तों इधर भी नंबर दिया गया है। अब बात करते हैं कि यार यूनिवर्सिटी नंबर तो बहुत दे देता है, लेकिन कांटेक्ट करने पे काफी नंबर का रिप्लाई नहीं आ पाता, ऐसा स्टूडेंट कह रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको रिप्लाई मिलेगा, आप कांटेक्ट करते रहिए। अगर नहीं कांटेक्ट हो पा रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, लेकिन कांटेक्ट मेरे से तब भी करना जब आपने इन सभी नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर ली और आपका हेल्प कहीं से भी नहीं हो पा रहा हो तो ही। दोस्तों ये मॉक टेस्ट के बारे में आप लोगों को मैंने फुल डिटेल बता दिया। अब बात कर लेते हैं होल टिकट को लेकर, जो मैंने बोला था वीडियो के एंड तक आप बने रहना, मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों का होल टिकट के रिलेटेड मुंबई यूनिवर्सिटी ने कोई भी नोटिस रिलीज नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो होल टिकट है, जैसे कि TY के स्टूडेंट का 8 तारीख को एग्जाम है, तो समझ लीजिए 3-4 दिन पहले आप लोगों का होल टिकट आपके पोर्टल पे आ जाएगा, और मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। एमकॉम Part 1 Part 2 एमए, ठीक है, एमएससी आईटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, इनका भी 4, 5, 6 के बीच में आप लोगों का होल टिकट आ जाएगा। तो चैनल पे जुड़े रहिए, पक्का मैं आप लोगों को अपडेट
दे दूंगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।